8 घंटे दिन में कैसे पढ़ा जाए, ये एक बहुत कॉमन सवाल है हर यूपीएससी और आरबीआई एस्पिरेंट का। अब इस सवाल का जवाब इतना ही सिंपल है जितना सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं, बिकॉज 8 घंटे कैसे पढ़ा जाए, दिस इज़ नॉट अ रियल क्वेश्चन। कंसिस्टेंटली रोज़ 8 घंटे कैसे पढ़ा जाए, दैट इज़ अ रियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आंसर करने के लिए मैं आपको अपना टाइम टेबल बता देता हूँ, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सुबह 6 बजे से 9 बजे अगर हम 3 घंटे रखें पढ़ाई करने से पहले, तो इन 3 घंटों में मैं 3 काम करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, एक्सरसाइज। आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं कभी ड्रॉप नहीं करता। उसके बाद करीब आधा घंटा या 15-20 मिनट मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे टास्क बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, डेली के बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, तो आई मेक श्योर कि मैं 15-20 मिनट मेडिटेट ज़रूर करूँ। और उसके बाद जो 1 घंटा बचता है, उसमें नहाना धोना और फिर कुछ देर के लिए न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स जैसे कि द इकोनॉमिस्ट स्टार्ट कर देना। तो पूरी नहीं पढ़ सकता, बट उसको स्टार्ट कर देता हूँ और 9 बजे उसको बंद कर देता हूँ। 9 बजे मेरा फर्स्ट फेज़ स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में मैं 9 से 12 3 घंटे एक स्ट्रेच पे पढ़ाई करता हूँ, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है। 9 बजे बैठे सीधा 12 बजे उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। अब ये डिसीजन कब लेना है कि आपको 9 से 12 क्या पढ़ना है, ये डिसीजन मैं पहली रात में ले लेता हूँ या फिर पूरे वीक का डिसीजन एक साथ ले लिया जाता है कि इस वीक में मुझे ये चीज़ें करनी हैं। गूगल कैलेंडर यूज़ कीजिए, उसमें डेली, वीकली, मंथली टारगेट्स बना सकते हैं आप बहुत आसानी से, और वो बहुत ही यूज़फुल रहते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने के लिए। तो 9 से 12 मैंने अपनी प्री डिसाइडेड पढ़ाई करी, जो भी मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है, अगर कोई लाइव सेशन लेना है तो उसकी तैयारी करी। 12 से 1 मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं कुछ खाता हूँ और साथ में थोड़ा बहुत जो भी हॉबीज़ हैं वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई नॉवल उठा ली। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया इन दिस टाइम पीरियड। फ़ोन को मत उठाइए, लैपटॉप को मत उठाइए, ट्राई करिए उनसे दूर रहें। तो गिटार बजा लिया खाते खाते थोड़ा सा, या फिर कोई म्यूज़िक सुन लिया, या फिर नॉवल पढ़ ली। नॉवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करवाता है नॉवल, जो कि आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है, मुझे पर्सनली हेल्प करता है। अब 1 बजे मैं फिर से बैठता हूँ और 1 से 4 3 घंटे का एक और सिंगल स्ट्रेच मारता हूँ, जिस स्ट्रेच में मैं 3 घंटे में जो भी मेरे टास्क स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करने की कोशिश होती है। ये 2-3 घंटे के मैंने स्ट्रेच किए, जिसके बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, उसके बाद फिर से पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं होती। तो मैं 4 बजे के बाद बहुत लंबा ब्रेक लेता हूँ, करीब 7 या 8 बजे तक। इस ब्रेक में अगेन आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। थोड़े बहुत स्टूडेंट्स के डाउट्स उठाने पड़ते हैं, तो उसमें 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है मेरा। आप सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं इस टाइम पीरियड में, और 4 से 8 घंटे में खाइए पिए मज़े के लिए न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, मैगज़ीन कोई उठा सकते हैं, कोई नॉवल उठा सकते हैं, कोई हॉबी है बॉक्सिंग करना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट खेलना चाहते हैं वो खेलिए। स्पेंड दिस टाइम स्पेसिफिकली ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर ये टाइम खर्च करिए। और 8 बजे अगर मेरा लाइव सेशन है तो मैं 8 से 10 लाइव सेशन लेता हूँ, मतलब मैं एक तरीके से पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। आपका लाइव सेशन नहीं होगा, आप तो पढ़ेंगे, तो आप 8 से 10 अगर मेरे लाइव सेशन में बैठे हैं तो वहाँ आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। इफ़ दैट इज़ नॉट द केस फॉर यू, तो 8 बजे आप रिविज़न स्टार्ट कर सकते हैं। तो 8 बजे से 9 बजे 9:30 बजे तक रिविज़न करिए, 1-1.5 घंटा रिविज़न के लिए रोज़ लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर UPSC एस्पिरेंट्स, जो पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ते हैं, एंड RBI एस्पिरेंट्स, जो कि छुट्टी लेकर या फिर अपनी नौकरी छोड़कर पढ़ रहे हैं। अगर आप नौकरी वाले हैं, इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो ये 3-3 घंटे के 2 स्ट्रेच जो हैं, ये 2-2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एक साथ ही कवर होंगे। या तो मॉर्निंग में एक स्ट्रेच लिया, लेट्स से 6 बजे से 8 बजे तक, इवनिंग में एक स्ट्रेच लिया, लेट्स से 8 बजे से 10 बजे तक, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ स्टाइल। इस तरह से आप 8 से 9 घंटे ईजिली पढ़ सकते हैं।